दोस्तों वीडियो में बात करने वाले आयरन सी के शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम आप देखोगे आयरन सी का शेयर मार्केट में इतनी तेजी होने के बावजूद भी आयरन सी के शेयर में भाई इतना सा भी फर्क नहीं है। आयरन सी का शेयर उल्टा नेगेटिविटी और हमें दिखा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों अभी के टाइम समझने वाली जो चीजें है वो आपको थोड़ा समझ रहा है। देखो दोस्तों पहला पॉइंट यहाँ पे की जो रिकॉर्ड डेट है वो पास आने वाले ऑलमोस्ट आज दोस्तों यहाँ पे 20 तारीख हो चुके हैं। 22 तारीख कंपनी की रिकॉर्ड डेट है। कहने का मतलब ये कि जिन लोगों को बेचना है जिन लोगों को खरीदना है 22 तारीख से पहले आप यहाँ पे खरीद लो। अगर ड्यूडेट आपको चाहिए तो अगर ड्यूडेट नहीं चाहिए तो आप 22 तारीख से पहले सेल कर दो। ठीक है तो अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो भाई कोई भी शेयर ड्यूडेट की रिकॉर्ड डेट से पहले नहीं चलता है। ठीक है पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा अभी के टाइम दोस्तों वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है स्टॉक के अंदर। नॉर्मली देखा जाए तो कंसोलिडेट जोन में स्टॉक अभी के टाइम हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट कितना ही भागे कितना ही गिर जाए इसको तो भाई अपने ही अकॉर्डिंग यहाँ से काम करना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि रेंज कितनी है टाइम जिस प्रकार ये कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर नीचे हो रहा है। रेंज कितनी है रेंज को थोड़ा सा आप देखो ओपन हुआ था भाई स्टॉक यहाँ पे 181 रुपए एंड स्टॉक ने अपना लो लगाया 178 का ऑलमोस्ट 3-4 रुपए के लेवल पे दोस्तों ये हमें वोलेटिलिटी दिखा रहा मतलब ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। देखो भाई आईआरसी में अभी के टाइम कई लोगों का विश्वास टूट भी चुका है। कई लोग ऐसे जो मेरी बातों को समझ भी रहे होंगे एंड जैसा कि मैंने सुनने में बताया था वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। आगे आप देख लेना कि आईआरसी का शेयर इस रेंज में आपको नहीं मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ आईआरसी का शेयर इस रेंज में नहीं मिलेगा। कितने दिन अगर बताऊँ तो ऑलमोस्ट कैच के मान लो दिवाली आने वाले 2-3 महीने में आईआरसी का शेयर आपको एक बड़ी रेंज में जाता हुआ देखने को मिलेगा। जिस प्रकार स्टॉक के यहाँ पे फंडामेंटल है जिस प्रकार चार्ट पैटर्न के संकेत है पिछले 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं है तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक इतना वेट तो कभी कराया नहीं है एंड जहां तक लगता है कि अब भी नहीं करवाएगा। तो आज अगर आप देखोगे भाई वॉल्यूम बिल्कुल डाउन है 1.5 करोड़ शेयर में ट्रेड होते हुए नजर आई। जिसका अगर कारोबार देखोगे तो 264 करोड़ के शेयर के जो मार्केट में ट्रेड होते हुए नजर आई जो कंपनी का मार्केट कैप है 2,35,000 करोड़ के मार्केट के साथ कंपनी ट्रेड कर रही है। आप देख लो कंपनी का मार्केट कैप भाई ऑलराउंड 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी में ऑलमोस्ट 264 करोड़ का कारोबार आप देख सकते हो इतना कम है यहाँ पे। तो ये चीजें भी टाइम नजर आ रही है भाई। आज आप देखोगे तो 42% शेयर से जो हमें डिलीवरी जाते हुए नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने बाइंग करी है लोगों ने डिविडेंड के लिए बाइंग करी कि आज डिविडेंड का सेकंड लास्ट डे है कल यहाँ पे लास्ट है एंड उसके 22 तारीख को यहाँ पे 22 तारीख अगर शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहते हैं मतलब आने वाले 2-3 दिन तक अगर आप शेयर खरीद लेते हो 22 तारीख तक तो फिर आपको डिविडेंड मिल सकता है बाकी आपको डिविडेंड यहाँ से नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई आपने बोला कि बड़े बड़े डिविडेंड के लिए शेयर खरीदते हैं बिल्कुल वो खरीदते हैं वो दोनों तरीके से खरीदेंगे रिटर्न के लिए भी खरीदेंगे रिटर्न एंड डिविडेंड के लिए भी खरीदेंगे। वो खरीद तो रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी खरीद लेंगे। जैसे कि आप देखोगे तो आज 42% की डिलीवरी हमें नजर आ रही है। कई लोग पैनिक होकर सेलिंग भी कर रहे हैं तो उनका भी माल अभी टाइम में नजर आ रहा है। देखो जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो एक चीज ध्यान रखना उसमें शेयरों की डिमांड कम हो जाती है मतलब जो बड़े फ्लैट खरीदते हैं ना भाई वो भी यहाँ पे डिमांड कमी रखते हैं। जितनी सेलिंग आती है ना उसके अकॉर्डिंग डिमांड चलने लग जाती है। ठीक है मतलब जितने लोग बेचने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिमांड रहती है। दूसरा जब शेयर ब्रेकआउट लेके भागता ना तो फिर सेलिंग का कोई फर्क ही नहीं पड़ता फिर तो डिमांड स्टॉक की हायर लिमिट पे रहती है। तो इस प्रकार मार्केट में मोमेंटम बनता है। आईएलएफ से मुझे लगता है कि मोमेंटम बनेगा एंड आईएलएफ से यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न देखे जाएगा क्योंकि इनको ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। रेलवे के आर्मी ने भी शरीर दिया। हाल ही के अंदर अपने ब्रोकरेज से देखा था कि आईआरसी के शेयर के अंदर भाई 40% की रैली का संकेत यहाँ पे दिया गया जो कि ऑलमोस्ट टारगेट है भाई 250 रुपए के बैठते हैं यहाँ पे मतलब 250 रुपए की टारगेट है बड़े प्लेयर से देखने को मिले ब्रोकरेज से देखने को मिले 14 लाख बाहर है एंड 31 लाख अभी के टाइम से हमें नजर आ रहे हैं। 42% की डिलीवरी जो की बहुत अच्छी डिलीवरी है। इंटरनेट चार्ट में आप फोकस कर सकते हो यहाँ पे देखो नॉर्मली फेल स्टॉक गिरावट में था उसके बाद कंसोलिडेट फिर वापस से रिकवरी जोन हमें नजर आ रहा है। यहाँ से अगर देखो देखिए जिनको आईआरसी की फंडामेंटल ही पता है कि फंडामेंटल कैसा है फंडामेंटल पे जो मार्केट में विश्वास रखता है वो तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम उल्टा इस जो वोलेटिलिटी है इसको यहाँ पे एक मौका समझ रहा है कि भाई यहाँ पे जितना गिरता है कई लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे शुरू में जितनी गिरावट होती है उतना ही वो बाइंग करते हैं एंड कई लोग ऐसे होते हैं कि जितना गिरता है भाई वो सेलिंग करके निकल जाते हैं जस्ट गिरावट स्टार्ट होगी उसके फिर सेलिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं बता दूं मैं कंपनी का मार्केट कैप भाई बहुत ज्यादा है यहाँ पे मतलब ज्यादा का मतलब ये है कि आसान नहीं है स्टॉक यहाँ से बर्बाद कर देगा आपको बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे बुक वैल्यू चलो ठीक है यहाँ पे ठीक है पी रेशो ना भाई अगर यहाँ से मान के चलो आगे जाके आप सोच रहे हो 100 रुपये आ जाएगा 200 रुपये मतलब 100 रुपये आ जाएगा 150 आ जाएगा इतना नहीं है यहाँ पे दिसंबर तक तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑलमोस्ट 4 महीने कंसोलिडेट हुआ। इतने का शेयर कितने पे गया
भाई शेयर ट्रेड कर रहा था 75 रुपए, 75 रुपए से बाकी कहाँ चला गया ऑलमोस्ट भाई, 75 रुपए से बाकी शेयर चला गया यहाँ पे इस लेवल पे ऑलमोस्ट। यहाँ पे कितना लेवल है ये आपका, ये है भाई 150 रुपए के लेवल। अब आप देख लो ऑलमोस्ट डबल की ले लिया ये हर बार शेयर, यहाँ से क्या लगता है क्या डबल होगा शेयर? देखो चार्ट की कोई चीज बन रही थी, गिरावट तेजी है, गिरावट हुई तेजी है, गिरावट हुई है, आगे यहाँ से तेजी आने वाली है। थोड़ा सा ध्यान से चीजों को करिए क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आया, गिरावट आई है, इसमें आपको देख सकते हो वॉल्यूम लगातार हमें डाउन होती हुई नजर आ रही है, मतलब जो सेलर है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर सेलिंग अभी भी होती तो आपको ये 180-175 रुपए टिकता हुआ नजर नहीं आता, ये गिरेगा क्योंकि 200-230 के जो हाई लगे थे वहां से गिरावट का कारण क्या था, सेलिंग टॉप लेवल से स्टॉक में प्रॉफिट प्रदर्शन देखो आर्मी में 2% की गिरावट के साथ बात कर लूं मैं तो बिल्कुल में भी हमें 1.5% की गिरावट, मतलब किसी भी अगर आप आईएफएससी को देखोगे तो आईएफएससी हमें हल्की सी गिरावट मतलब यहाँ पे टिकता हुआ नजर आ रहा है। देखो इस चार्ट को एक बार आप ठीक से देखो क्या इस चार्ट में आपको पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो ओनली फॉर नॉर्मली कंसोलिडेट वो चल रहा है, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए आपने तो यहाँ पे खरीदा होगा ठीक है। दूसरा अगर आपने यहाँ पे खरीदा है तो भी टाइम कोई आप लॉस में नहीं हो, नॉर्मली देखा जाए तो चार्ट ऐसे ही बनता है, स्टॉक के चार्ट तेजी आते गिरते हैं फिर नॉर्मली कंसोलिडेट फिर भागते हैं फिर कंसोलिडेट फिर तेजी फिर कंसोलिडेट, ऐसा ही चार्ट बनता है। एंड यहाँ से दोस्तों रिवर्सल आने वाला है, एंड अब की बार जो तेजी आएगी भाई ऑलमोस्ट मान के चलो कि 90-100% से कम तेजी स्टॉक में नहीं आएगी, जब तेजी आएगी तो तेजी का भाई वेट कर लीजिए दिवाली तक का एक आसानी से अच्छा रिटर्न यहाँ से मिल जाएगा। 44 का आरएसआई जो भी बॉटम पे ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम आप बिल्कुल होल्डिंग कर सकते हो, एंड 22 तारीख डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है तो उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम बनने के फुल चांसेस बन रहे हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब।